हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों जैसा कि मैंने भी पिछली वीडियो डाली थी टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस नेपाल के ऊपर, और उससे पहले भी मैंने जितनी वीडियो डाली हैं 3-4 वीडियो, उसमें लगातार मुझे एक ही कमेंट आ रहे हैं कि प्रेम गीत 3 हिंदी ट्रेलर में आ गया है, हिंदी मूवी रिलीज़ हो रही है उसकी। सिर्फ हिंदी ही नहीं, काफ़ी सारी और भी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, तमिल में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में वो मूवी रिलीज़ हो रही है। जैसे कि एक साल पहले उसका ट्रेलर आ गया था, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना वायरस के चक्कर में वो मूवी अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई है। लेकिन जैसा कि अभी मुंबई में उसकी डबिंग हुई है हिंदी में, उसके ऊपर लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं, जिन्होंने उस मूवी को डब किया है हम उनकी बातें सुनते हैं। वीडियो मिली है मुझे, उसके ऊपर मैं देखता हूँ उस वीडियो को, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, जैसे कि कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत मुझे कमेंट्स आ गए और मुझे मैसेजेस भी काफ़ी आए कि प्रेम गीत 3 के हिंदी ट्रेलर पर रिएक्शन करो, हिंदी डबिंग वीडियो पर रिएक्शन करो। तो दोस्तों आ गई है वो वीडियो जिस पर कि हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। और हाँ, वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो मैं आपको वेट ना कराते सीधे लेके चलता हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पे हमें वो वीडियो मिलेगी। ओके दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग आ गए हैं यूट्यूब पे, अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे? प्रेम गीत 3 ट्रेलर हिंदी डब। ओके, तो देखिए जैसा कि प्रेम गीत 3 हिंदी डबिंग इन मुंबई बॉलीवुड असुसेन फिल्म्स के यूट्यूब चैनल से हम लोग ये वीडियो देखेंगे। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं लगा लेता हूँ ईयरफोन, जिससे कि मुझे हर एक चीज़ अच्छे से सुनाई दे। ओके, तो जैसा कि मैंने लगा लिया ईयरफोन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, 1 2 3 गो। द मेकिंग ऑफ प्रेम गीत 3। मेरा सपना सिर्फ गीत थी, सिर्फ गीत। मेरे जीवन के सबसे सुंदर पल थे। इस दरगाह की रक्षा करने वाला सिर्फ मैं हूँ। अमन, अमन, अमन। खतरनाक। बलिउड इन्डस्ट्रीको एउटा प्रोडक्सन कम्पनीसँग चाहिँ हामीले सहकार्यको लागि चाहिँ आज बुकिङ गर्दैछौँ। आगे मुंबई। मेरा सपना सिर्फ गीत थी, सिर्फ गीत। ये मेरा पहला मौका था एक नेपाली फिल्म को डब करने का हिंदी में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली नेपाली सिनेमा के बारे में इतनी जानकारी हमें नहीं है, बट आई एम ग्लैड टू नो कि दिस इज़ एट पार विद इंटरनेशनल सिनेमा। बहुत बढ़िया सिनेमाटोग्राफी थी, और मैंने डायरेक्टर साहब से कहा भी कि इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल। आई होप यू नो, हिंदी में जब ये आए तो बहुत लोग जो इसे शायद नेपाली में ना समझ पाते, इसे देखें, इसे पसंद करें, और ऐसी और भी फिल्में यहाँ आना शुरू हो जाएं, यही मेरी दुआ है। क्या बात है। तुम्हारे साथ आंखें मूंद कर बिताए हुए वो पल मेरे जीवन के सबसे सुंदर पल थे। By far this has been my best experience, क्योंकि this is a very well made film, very well performed, सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और मुझे गीत का कैरेक्टर जो लीड लड़की है उसको हिंदी में डब करके बहुत मज़ा आया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द स्क्रिप्ट, जो लाइन लिखी गई थी, जिस तरीके से इमोशंस थे, एक्सप्रेशंस थे, जिस तरीके से स्टोरी वीव हो रही थी, और पूरा उसका नैरेटिव जो था, जिस तरह से स्टोरी फ्लो हो रही थी, एज एन ऑडियंस ऑल्सो मैं उसको इन्जॉय कर रही थी। ऑल्सो दोनों एक्टर्स जो लड़की है लड़का है उनके परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत पसंद आए। And this was fun, really, really fun. इस दरगाह की रक्षा करने वाला सिर्फ मैं हूँ। अमन, 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 अमन। प्रेम
प्रेम तो मेरा छोटा भाई है, बच्चा है वो। बच्चा है वो। राजनीति सीखने में उसे अभी बहुत वक्त लगेगा। मैं ये नेपाली मूवी इंटू हिंदी डब्ड इन हिंदी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा कहीं कोई एंगल से लग नहीं रहा है कि ये नेपाली मूवी है, क्योंकि जिस तरह से इसको शूट किया गया है कोई एंगल से इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। इट्स बीइंग वेल शॉट, वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल एक्टेड। मुझे नहीं पता था कि नेपाल में भी इतने अच्छे अच्छे कलाकार लोग हैं और बहुत अच्छा लगा। नेपाल में क्या नहीं है भाई साहब। कमी तो देखो, हालांकि बड़ी बड़ी फिल्मों में भी आपको कमियां मिल जाएंगी, लेकिन मेन ये होता है कि आप अपने गोल तक कहां तक पहुंचे हो। तो आप काफी सक्सेसफुल रहे हो, आपके लिए ऑल द बेस्ट, नेपाली मूवीज के लिए ऑल द बेस्ट। नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचिए और नाम रोशन कीजिए, अच्छी फिल्में बनाइए अच्छी स्टोरीज के साथ, और ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। हाय, मैंने अभी प्रेम की स्टोरी अच्छी फिल्म डब की है, बहुत ही अच्छी मूवी है जैसा कि मैंने देखा। बहुत ही प्यारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही प्यारा लाइक सीन्स बहुत अच्छे हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है। ये मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट फिल्म में वो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छी की, डायरेक्शनल लेवल से भी बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत पसंद आई ये मूवी और डब करने के बाद बहुत मजा आया। यदि उसका आने वाला वंश बिना किसी अड़चन के इस धरती पर कदम रखता है, हाँ प्रेम की माँ के गर्भ से ही राजा। मेरा नाम मौसम है, मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ और यहाँ मैं एक नेपाली फिल्म हिंदी में डब कर रही हूँ जिसका नाम है प्रेम। मैं इसमें एक बड़ा ही अच्छा सा कैरेक्टर कर रही हूँ, माता, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे इस फिल्म की डबिंग करते हुए बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे लोकेशंस भी लगे, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ डबिंग में भी हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस फिल्म को देखिएगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपको भी देख के बड़ा अच्छा लगे। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद गाँव वालों को और बाकी लोगों को खतरा होगा। मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नेपाली सिनेमा को एक नया स्तर ही दिया है। अब तक मैंने इतनी बेहतरीन मूवी शूट वाइज लोकेशन वाइज नहीं देखी थी, तो इसके लिए आपके पूरी टीम को ढेर सारी बधाई। क्या बात है यार, मतलब हर कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। मैंने कोई नेपाली मूवी देखी है जिसका ग्रैंडियर इतना लार्ज है और जो कैरेक्टर्स जिस तरीके की डिजाइन किए गए हैं, उनका जो गेटअप है, टेक्सचर ऑफ द मूवी और जिस तरीके की जो डिलीवरीज हैं और जो परफॉर्मेंसेज हैं ना, इट इज अमेजिंग। फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सम नेपाली मूवी इन सच अ बिग ग्रैंडर बेसिकली। सो आई हैव रियली एंजॉयड डबिंग दिस मूवी और मेरा कैरेक्टर तो मस्त हाई था, उसमें जरा कलर थे तो उसको करने में मजा आया। आई रियली एंजॉयड दिस मूवी। आई होप कि ये मूवी बहुत सक्सेसफुल हो, आई विश ये मूवी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, क्योंकि इस तरीके का टेक्सचर, इस तरीके की मूवी और इस तरीके का जो पैटर्न है वो मैंने नेपाली मूवीज में आज तक नहीं देखा। अमेजिंग। तुम्हें अपने आप को संभालना है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्रेम की सभी बातों को दरगाह स्वीकार करेगा। दरगाह में सभी को खबर कर दो, ये भी कह देना। सो व्हेन आई केम टू डब दिस मूवी आई वाज नॉट श्योर कि ये क्या होगी, बट डबिंग करते टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नेपाली फिल्म्स भी हिंदी में डब हो रही हैं। दुनिया की हर भाषा हो सकती तो व्हाई नॉट नेपाली फिल्म। सो आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग and I'll give my full support to all the people from there, and luckily, wow, fortunately I am also half Nepali. My mother was a Nepali, she was from Bajang. So I feel very fortunate to dub this film. Aman Sarkar ke khajak ke itihas mein pehli baar sabhi achambhe mein hain। मुझे तो संदेह हो रहा है कि कहीं आपका अस्तित्व मिट न जाए।
तो दोस्तों मूवी प्रेम गीत ये बहुत ही अच्छी मूवी है, और जब मैं इसकी डबिंग कर रहा था तो डबिंग करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि जो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री है वो भी इतना आगे बढ़ रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने नेपाली मूवी इस तरह की तो दिखी नहीं थी। तो प्रेम गीत से अभी ऐसा लग रहा है कि नेपाली मूवी अब धीरे धीरे उभर रही है, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे डब करके। और हर कोई तारीफ कर रहा है, टेक्निकली भी अच्छी मूवी है, और सारे आर्टिस्टों ने बहुत ही कमाल काम किया है, और हम लोगों ने इसे डबिंग से उभारा है हिंदी में। लेकिन मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप एक बार ये मूवी देखने के लिए जरूर जाइए जब ये थिएटर में रिलीज होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। इसकी स्टोरी लाइन भी अच्छी है, मैं पूरी तरह से बताऊंगा नहीं वरना मज़ा चला जाएगा। तो बस यही कहूंगा कि आप देखने जाइए, ज़रूर जाइए थिएटर में, हिंदी भी देखिए लेकिन नेपाली ज़रूर देखिए, क्योंकि नेपाल में इस तरह की मूवी बनना ये सही में वाकई एक फिल्म इंडस्ट्री में क्रांति लाने जैसा है, एक अलग मूवी है ये बिल्कुल। थैंक यू। वो आएगा, रीटेक ले लीजिए। आ गया वो, आ गया। त्यो हामीले जुन उद्देश्यका साथ यहाँ पाइला टेकेको थियौँ त्यो सफल हुँदै क्रम बढिरहेको छ। फाइनल्ली हामीले डबिङको कार्य सक्यौँ, डबिङमा हामीले एकदमै दिग्गज कलाकारहरूको साथ पायौँ। हामीले जुन क्यारेक्टर अनुसार हामीले त्यो भोइस खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो प्रेमको लागि सङ्केतजी, अनि हाम्रो गीतको लागि पूजा पन्जाबी, अनि हाम्रो अमनको लागि चाहिँ हाम्रो बाहुबलीको जुन बाहुबली नाम लाल दिएको गर्ने मनोज पाण्डे, त्यस्तै शक्ति सिंह हाम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो सचिनजी जो केजिएफको एसजीको भोइस दिनुभएको छ उहाँले, त्यस्तै हाम्रो बाहुबलीको सिग्वामी देवीको भोइस दिने मौसमीजी हुनुहुन्छ, धेरै दिग्गज कलाकारहरू बनाउने कोसिस गरेका छौँ। अब हाम्रो डबिङ र एडिटिङ सकिएको छ, तपाईँहरूको साथ तपाईँहरूको शुभकामना सधैँ हामीलाई मिलिरहोस्। प्रतीक्षा गर्नुभयो छिटै आउँछ, अब धेरै अब हामीले काम सक्न साथ हामीले रिलिज डेट एनाउन्स गर्नेछौँ। इन्डियादेखि लिएर विश्वव्यापी रूपमा एकै दिनमा नेपाली भाषामा विभिन्न भाषामा चाहिँ रिलिज गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। यो उद्देश्य भगवान् र तपाईँहरूको शुभकामना साथले चाहिँ आशीर्वादले पुरा हुनेछ भन्ने आशा दिएको छु। अरे यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब कि नेपाल की मूवी, इस मूवी के बारे में हर कोई जिसके पास भी ये लोग जा रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसी मूवी आज तक नेपाल में कभी नहीं बनी। इस मूवी को बनाना मतलब नेपाल की मूवी इंडस्ट्री में एक तरह की क्रांति लेके आना, और इस मूवी में लीड रोल कौन है, प्रदीप खड़का, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक मूवी रिलीज होने वाली है। रिलीज होने वाली ये सिर्फ हिंदी और नेपाली में नहीं बल्कि मेरे ख्याल से इंग्लिश और तमिल में भी रिलीज़ हो रही है, लेकिन हिंदी में जिन जिन आर्टिस्ट को इन्होंने लिया, जैसे कि शिवगामी देवी का जिन्होंने डबिंग किया था, और भल्लाल देव का जिन्होंने डबिंग किया, तो ऐसे खतरनाक यश केजीएफ में जो यश है उनका जिसने डबिंग किया था, तो ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार इन्होंने लिए हैं इस मूवी में डबिंग करने के लिए, तो सोचिए ये मूवी कितनी सुपरहिट होने वाली है। मतलब और इस ये मूवी का ट्रेलर जब मैंने देखा था ना, अमेजिंग, बहुत ख़तरनाक भाई साहब, बहुत ज़्यादा एकदम बवाल चीज़ है, बहुत बवाल होने वाला है। जब ये मूवी रिलीज होगी ना, ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है, और एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स टूटते जाएंगे, एक एक करके टूटेंगे या फिर एक झटके में ही सारे टूट जाएंगे, लेकिन टूटेंगे ज़रूर जब भी ये मूवी रिलीज़ होगी, थिएटर में होगी, देखते हैं। अभी तो इंडिया में तो अभी लॉकडाउन बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है ऐसा लग रहा है, जिस तरह के हालात हैं कोरोना को लेकर के, कोविड को लेकर के, उस तरह से लग रहा है कि अभी इंडिया में मूवी रिलीज़ ना की जाए, क्योंकि अभी कोई भी थिएटर ओपन नहीं होंगे। थोड़े टाइम बाद जब थोड़ा सा संभलने लगेगा ये कोरोना काल, जब थोड़ा संभलने लगेगा तब जाके मूवी रिलीज़ की जाए इंडिया में, तब मैं गारंटी कह रहा हूँ कि भाई साहब प्रेम गीत 3 है ना, ये तबाही मचा देगी। सिर्फ और सिर्फ नेपाल में नहीं, पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में मूवी तबाही मचाने वाली, क्योंकि ट्रेलर इसका बहुत ख़तरनाक था, बहुत ख़तरनाक। और सुनने में आ रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक कहानी नहीं बल्कि कुछ पार्ट इसका एकदम ट्रू स्टोरी बेस्ड है, रियल स्टोरी बेस्ड, ऐसा पहले हुआ था नेपाल में।
तो देखते हैं मूवी कब रिलीज होती है, वेट रहेगा मुझे मूवी का। मूवी मैं बहुत बेसब्री से मूवी देखना चाहता हूँ अब तो, बल्कि हिंदी में भी आ रही है तो हिंदी में देखने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों बाकी आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई और न्यूज़ मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया या फिर उस वीडियो का लिंक मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक मुझे मैसेज करके दीजिए, मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और लास्ट में इतना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यहीं बरकरार रखिए, मुझे यहीं सपोर्ट करते हैं जैसे कि मैं और भी बेहतर वीडियो लेकर और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ, तब तक के लिए।